Hello friends, I am back with another video, and in today's video we'll be starting our part B or part 2 of business studies, that is business, finance and marketing. मैं आपको real बताता हूँ, अभी तक हो सकता है कि कुछ students को जो business studies है या business studies का portion है वो थोड़ा सा boring लगाओ, but इसके onwards अभी आज की जो video है और उसके onwards इतना interesting होने वाला आपको business studies, both आपके examination perspective से भी ये जो chapters हैं बड़े chapters हैं but बहुत weightage रखते हैं from exam perspective, आपके life perspective या future perspective भी ये chapters बहुत ज़्यादा important हैं. क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर्स है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ चैप्टर, जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे, बीकॉम वगैरह परस्यू करोगे, बीबीए एमबीए परस्यू करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट. जब आप उससे भी ऊपर जाते हैं, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डिग्री. देर आर होल कोर्सेज डिजाइंड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वहाँ पे एक एक हज़ार पाँच पाँच सौ घंटे की कोर्सेज हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बेस्ड हैं. तो आप समझ सकते हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं. एंड दिस इज द हार्ड कोर फाइनेंस का नॉलेज जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है. अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं तो नो डाउट आपको जो है फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपकी, जब आप लोग इन सब कोर्सेज को परस्यू करेंगे. तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल लव द सब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पार्ट टू बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9. इसमें टोटल चार चैप्टर्स हैं, तीन चैप्टर्स मेजरली ज़्यादा फाइनेंस वगैरह से मार्केटिंग ये सब से ओरिएंटेड है, एक चैप्टर फिर आपका जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर आ जाता है. एनीवेज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में अपनी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं. वी आर रीडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दो चीज़ें हम लोगों को पहले ध्यान देनी है कि इस चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया है कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट शब्द है उस मैनेजमेंट शब्द का क्या मतलब होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया. अब इस वीडियो के ऑनवर्ड्स हमको पढ़ना है फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे होता है. ठीक है, सो फ्रॉम द वेरी हेडिंग ऑफ द चैप्टर इतना चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वी विल बी स्टडिंग कि फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे होता है. अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि भाई जो चीज़ें हमने जिस तरह से सोची है वो उस तरह से हो रहा है कि नहीं, प्लानिंग हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है कि नहीं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब हमने अच्छे से चीज़ों को सोचना है और फिर अल्टीमेटली मुझे उन चीज़ों को अचीव करना है. दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है कि हम फाइनेंस की मैनेजमेंट करेंगे कि भाई फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या होता है. सो वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस रिटेन हुआ, कुछ नहीं है, फाइनेंस का मतलब है पैसा, है ना. फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसा. फाइनेंस नहीं याद आया, ऐसे 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 अपने हाथ को तरफ देखना और ये चीज़ें याद करना, यू विल बी रिमेंबरिंग कि फाइनेंस क्या होता है. ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंस, मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है ये मनी, मनी कि मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज. जो पैसा जो रिक्वायर्ड है ना, जो रुपया जो रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए. जैसे मान लो कि आपने आज सोचा कि आपको एक दुकान खोलना है, आपको कंपनी खोलनी है, आपको एक लेट्स से एक कपड़े की दुकान खोलनी है, तो फॉर दैट यू नीड मनी. आपको अपना दुकान एक भाड़े पे जगह लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसा चाहिए. आपको कुछ स्टॉक लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा चाहिए. आपको कुछ फर्नीचर लाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए. मान लो कि जो लोग आएंगे वो खड़े तो रहेंगे नहीं, तो उनके लिए चेयर्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी, फर्नीचर्स लगने पड़ेंगे, तो उनके लिए पैसा चाहिए. सो टू रन एनी बिजनेस, कोई भी तरह के बिजनेस को रन करने के लिए यू नीड सम फंड्स, यू नीड सम मनी. दैट मनी, दैट फंड इज वॉट वी कॉल फाइनेंस. जो पैसा आपको चाहिए उसी पैसे को क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं. ठीक है, और इस पैसे को मैनेज कैसे करें, मतलब मैनेज कैसे करें, मतलब इसका सबसे बेस्ट आउटपुट कैसे निकालें. मान लो कि हम कोई पैसा लेते हैं तो उसका बेस्ट यूज होगा ना, तो उसका बेस्ट से बेस्ट यूज हम कैसे करें, दिस इज वॉट वी कॉल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी डेफिनेशन देखते हैं कि वॉट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो हेयर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, यहां से ध्यान दीजिएगा, इफिशियंट एक्विजिशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance and efficient distribution of surplus for smooth working of company. इसमें तीन चीजें आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज है ना, क्या क्या तीन चीज. एक तो है भाई, पहली चीज जो है वो है acquisition, efficient acquisition of finance. ठीक है, फिर क्या है, फिर है efficient utilization of finance, then we have efficient utilization of finance and then we have efficient distribution of surplus. ठीक है, मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट रेफर्स टू, मतलब ये किसको रेफर करता है, ये बताता है कि इफिशियंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस हो, मतलब आपने जो पैसा ला रहे उसको आप इफिशियंटली लाओ, है ना. जैसे सपोज इफिशियंटली लाओ का मतलब क्या है भैया, ये क्या आप इफिशियंट इफिशियंट बोल रहे हैं. लेट्स से कि हमारे पास में दो ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास में दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी. ठीक है, इसमें हमको मिल रहा है लोन मिल रहा है एट द रेट 10% और इसमें मेरे को लोन मिल रहा है एट द रेट 15%. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है कि भाई तुम कौन सा लोन लो, दिस इज वेरी सिंपल, कौन सा लोन लो, 10% वाला लोन लो. क्यों, क्योंकि इसमें आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यू विल बी पेइंग 10% इंटरेस्ट, बट इसमें आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मान लो आपने 1000 रुपये लिया तो इसमें आपको 10,000 रुपये देने हैं और इसमें आपको हर महीने या हर साल 15,000 रुपये देने हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको चुनोगे ना, क्योंकि इफिशियंट तो ये है ना,
रुपया मेरे को उतना ही मिल रहा है बट मेरे को जो देना है वो कम देना है इस वाले केस में ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए विल बी द बेस्ट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इफिशियंट एक्विजिशन. मतलब कि हमको जो रुपया मिल रहा है, रुपया मिलना इज व्हाट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एक्विजिशन ऑफ मनी, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एंड दैट इज इफिशियंट. वी हैव टू चूज द इफिशियंट वन. देन वी हैव इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि हम जो फाइनेंस को यूटिलाइज करें, फाइनेंस का यूटिलाइज करें, मतलब जो पैसा का यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, पैसा का जो यूटिलाइज कर रहे हैं, व्हाट मनी वी आर यूटिलाइजिंग. मतलब जैसे हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं ना, कोई भी पैसा हमने कहीं से लिया तो उसको हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं. किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में दो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी, ठीक है. अब इस पे जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न, इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो है लेट्स से 15% और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 20%. कौन सा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है आप ही बताइए. मान लीजिए कि आपके पास में दो तरीके हैं, आपके पास में दो बिजनेस करने का ऑप्शन है. एक ऑप्शन में आपको 15% रिटर्न मिलेगा. मान लो कि आपने 100,000 रुपया लगाया तो आपको रिटर्न में 15,000 रुपये आएंगे, और दूसरे ऑप्शन में आपने 100,000 रुपया लगाया तो आपको रिटर्न में 20,000 रुपये आएंगे. तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है? ऑब्वियसली जो 20% वाला ऑप्शन है ये आपके लिए बेहतर है. क्यों बेहतर है? क्योंकि आप इसमें रुपया उतना ही लगा रहे हो, रुपया यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख ओनली, बट द रिटर्न विच यू आर गेटिंग दैट इज 20,000 पर ईयर. तो इसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, दैट इज वाई वी कॉल्ड कि प्रोजेक्ट बी जो है वो अच्छा है. और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को जज करने के, बट मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि व्हाट डज इफिशियंट यूटिलाइजेशन मींस. कि भाई इफिशियंट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि हम जो खर्चा कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम अपने एसेट्स में या जो भी हम किसी इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाए, इज ऑल अबाउट इफिशियंट यूटिलाइजेशन, ठीक है. तो दो चीजें हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू इफिशियंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. अब क्या है, अब है इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी. इसका मतलब क्या होता है भैया, अभी तक जो दो चीजें हमने समझा दैट वॉज कंपेरेटिवली इजी. अब देखो होता क्या है, होता क्या है, ये दिस इज समथिंग विच इज बिट कॉम्प्लेक्स बट आपको बिल्कुल समझ में आएगा. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया कि आपने जो है लोन लिया एट द रेट 10%, ठीक है. हमारा रुपया कितना है, रुपीज वी हैव 1 लाख रुपीज, ठीक है. 100,000 रुपया में आपने लोन कितना लिया, 10% का आपने लोन लिया, तो आपको पे कितना पड़ेगा, यू हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, 10,000, ठीक है. और आपने जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट कितना किया आपने, इन्वेस्ट किया एट द रेट 20% पे, ठीक है. आपको रुपया कितना मिलेगा, 20,000, ये आपको मिलेगा, ठीक है, 20,000 रुपया आपको मिलेगा, और 10,000 रुपया आपके पास से जाएगा, 10,000 आपके पास से जाएगा और 20,000 आपके पास आएगा. मतलब 20,000 आपके पास आएगा और 10,000 आपसे जाएगा, 10,000 आपके पास आएगा और 20,000 आपके पास आएगा. तो नेट में आपको क्या हुआ, नेट में आपको क्या फायदा हुआ, नेट में आपको फायदा हुआ कि आपके पास में 10,000 रुपया आया. 10,000 इज द प्रॉफिट. सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं ना कि आपने कहीं से जो पैसा लिया, वो आपने पैसे लिए 100,000 रुपया और आपको उसको 10,000 रुपया देना पड़ा, ठीक है. आपने 100,000 रुपया पैसा लिया और आपको 10,000 रुपया देना पड़ा. तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि इफिशियंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस. देन वी हैव कि आपको 20,000 रुपया उसमें से आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने कुछ रुपया लिया और उसमें से 20,000 रुपया प्रॉफिट आपने कमा लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है. और अब क्या, ये 10,000 रुपया क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल सरप्लस कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सरप्लस हो गया भैया. सरप्लस हो गया का मतलब ये 10,000 का आपको फायदा हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया. अब क्या है, ये 10,000, इस 10,000 को आपको क्या करना है, इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे हम लोग जो है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सब जो चैप्टर पढ़ते हैं, ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्म्स का तो बिजनेस ऑपरेशन का स्केल बहुत छोटा होता है. एक सोल प्रोप्राइटर है तो उसका कितना कैपिटल होगा, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़. बट जो कंपनीज होती हैं उनके बहुत ह्यूज कैपिटल होते हैं, ह्यूमंगस, मतलब 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, इस तरह के कैपिटल्स होते हैं. तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो वहाँ पे चलती है. अब देखो, ये जो 10,000 करोड़ का, 10,000 रुपये का सरप्लस जो आया ना, इसको बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्पोज करने के या यूज़ करने के, है ना, या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करो, आप अपने कंपनी में एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस रख लो. आपने 11th में पढ़ा है, आप 12th में भी पढ़ते होगे कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम रिजर्व्स के तौर पे अपने पास में पैसा रख लेते हैं. सो दिस इज वन ऑप्शन कि आप उसको एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस रख लो. दूसरा ऑप्शन है कि मान लो आपने लोन, आपने मान लो कि आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो आप उनको डिविडेंड दे दो. तीसरा ऑप्शन है कि आपके कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो आप उनको डिविडेंड दे दो. अच्छा, उनको डिविडेंड भी दे दो तो उनको कितना डिविडेंड दे दो,
मान लो कि हमारे पास में लेट्स से कि एक्स अमाउंट के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो मेरे को उनको 10% डिविडेंड देना है कि 5% देना है कि 20% देना है, ये सब चीज कैसे डिटरमाइन होगा? दिस इज ऑल डिटरमाइंड अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और हम लोग हमेशा वो वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जिसमें हमारी कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा हो, हमारे शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो, ठीक है, हमारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़े. फायदा हो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उनको डिविडेंड दे दें, उनका वेल्थ बढ़े. अब वेल्थ बढ़े क्या होता, नहीं होता, ये हम लोग सब सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर लाइफ परस्पेक्टिव, है ना. तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, दिस इज समथिंग व्हिच आई प्रिज्यूम. अब हमारे पास में कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, ठीक है. तो मैं आपको जो है इसका फायदा भी समझाता हूँ कि भाई फायदा क्या है. फायदे ही फायदे हैं हर जगह, मतलब बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है. देखो सबसे पहला फायदा मैंने लिखा है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का कितना साइज है, कितना कंपोजिशन, माने कितने रुपए के हमारे पास में फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हमने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है. मान लो कि हमारे पास में 5 मशीन्स हैं, 4 कार्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं, 10 मोटरसाइकिल्स हैं, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स. एक बिल्डिंग है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, कितना साइज है इसका, कितना अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, और नंबर कितने कितने हैं, मतलब कितने हमारे पास में कार हैं, कितनी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितना क्या है, कितना नहीं है, दैट इज व्हाट वी कॉल साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो ये कैसे पता चलता है, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलता है. कौन से एसेट्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से को डीप्रायोरिटाइज करना है, ये सब किससे पता चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलता है. देन वी हैव क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप. देखो इसको समझाने के पहले मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, आप लोगों को एक बेसिक सी चीज, ये क्या होता है. अब देखिए आप इसको लिंक कर पाएंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. ये हमारा ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है. एंड देन वी हैव बैलेंस शीट, है ना. बैलेंस शीट होता है हमारे पास में, इस साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, इस साइड में वी राइट लाइबिलिटीज, इस साइड में वी राइट एसेट्स, ठीक है. अब एसेट्स लिखा आपने, लाइबिलिटीज आपने लिखा, अब सबसे ऊपर में क्या होता है ना, सबसे ऊपर में होता है आपका शेयर कैपिटल. ये सबसे ऊपर में कैपिटल, आप सीधे समझ लो. कैपिटल लिखने के बाद आप क्या लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो नॉन, या इसको ऐसे बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज, इसको ऐसे लिखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, है ना. और जब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाता है तो फिर आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज. दिस इज द वे थिंग्स वर्क. लाइबिलिटीज साइड में सबसे ऊपर में शेयर कैपिटल होता है, फिर होते हैं आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिर होते हैं करंट लाइबिलिटीज. अच्छा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या होता है, इधर होता है करंट एसेट्स, नहीं इधर होते हैं फिक्स्ड एसेट्स ऊपर में, है ना. फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और नीचे में क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं. अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि ये वाली जो चीज है फिक्स्ड एसेट्स, ये कितना है, कितना इसका साइज है, कितना इसका अमाउंट है, ये चीज हमको पता चलती है. फिर हमने लिखा क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप, इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स कितने हैं और उसका ब्रेकअप क्या है. ब्रेकअप का मतलब कि मान लो कि हमारे पास में करंट एसेट्स हैं तो कैश कितना है, इन्वेंट्री कितना है, कोई प्रीपेड एसेट्स कितने हैं, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में हम देखते हैं कि भाई ठीक है, करंट एसेट्स हमारे पास लेट्स से 20 लाख का है, बट अब करंट एसेट्स में कौन कौन से तरह के करंट एसेट है, दैट इज व्हाट वी कॉल कि इट्स ब्रेकअप, कि इन्वेंट्री कितनी है, कैश कितना है, बैंक में कितना है, है ना. दैट इज व्हाट वी कॉल कि क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप. देन वी हैव अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, कि लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स कितने हैं, ये लाइबिलिटीज क्या है, दीज आर द फंड्स, कि भाई लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स कितने हैं, दैट इज व्हाट वी असर्टेन. फिर क्या है, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कि लॉन्ग टर्म तो है. अब देखो होता क्या है ना कि शेयर कैपिटल भी लॉन्ग टर्म होता है, दिस होल थिंग इज लॉन्ग टर्म. ये जो है ना, ये होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, एंड करंट लाइबिलिटीज जो होता है ना, ये होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज. तो लॉन्ग टर्म है उसमें शेयर कैपिटल कितना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी कितने तरह के लोन्स है, कितनी तरह की लाइबिलिटीज है, शेयर कैपिटल में भी शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, इक्विटी शेयर कितना है, दिस ऑल थिंग. ये हमको कैसे पता चलता है, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का क्या ब्रेकअप है, कितने सारे लॉन्ग टर्म के सोर्सेज से हमने रुपए लिए हुए हैं, शेयर से कितने लिए हुए हैं और लोन से कितने लिए हुए हैं, दिस इज ऑल व्हाट वी रीड हियर. और क्या है, ऑल आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट. ये सब तो होगी बैलेंस शीट की बात, आप देखोगे कि बैलेंस शीट में सब चीज खत्म हो गया. अब हमको ये भी तो पता चलता है ना कि P&L अकाउंट में क्या हो रहा है, जैसे कि लेट्स से कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का आप इंटरेस्ट दोगे तो वो P&L में जाएगा. आपने कोई एसेट लिया हुआ है, उस एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो आपके P&L में जाएगा. यहाँ पे अपने लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे अपने लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे अपने लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी. फिर क्या लिखते हैं अपने लोग,
आप लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बहुत सारी चीजों को लिखते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट में जो भी आइटम्स होते हैं वो कहां से आए, कहां से नहीं आए, क्यों आए, कैसे आए, ये सब चीजें हम लोग कहां सीखते हैं, ये सब चीजें सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखा जाता है। तो इट इज अनडाउटेडली वन ऑफ द वेरी वास्ट सब्जेक्ट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। एक छोटा सा डिस्कशन ऑन है, दैट इज कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, है ना, वाई वी डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सब तो हमने पढ़ा कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट ऑब्जेक्टिव भी कुछ होता है, कुछ गोल होता है ना। हम लोग कोई काम कर रहे हैं, आप हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को मास स्टूडेंट्स को पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपकी इच्छा होगी तो मेरे को फीस दीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं दीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है। किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को अपना गोल्स अचीव करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, इसका बिजनेस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमको बिजनेस गोल्स अचीव करने हैं। तीन तरह के गोल्स होते हैं वो हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हमको शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। ये आपको कहीं पे भी पूछे ना, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या लिखना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि मान लो कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मेरी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, मुझे उनका वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब कभी भी ये मत सोचिएगा कि डिविडेंड या जो हम उनको प्रॉफिट दे रहे हैं वो, दैट इज नॉट द वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को मेरे को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है भाई, जैसे देखो कि मान लो कि कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ₹1,00,000 इन शेयर्स ऑफ माय कंपनी। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया हुआ है मेरी कंपनी के शेयर्स में। ठीक है, इग्नोर द साउंड, बाहर कोई वो बार बार हॉर्न बजा रहे हैं। इन्वेस्ट मिस्टर ए जो है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ₹1,00,000 के शेयर्स मेरी कंपनी में। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ₹1,00,000 है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल कि उनका ये इन्वेस्टमेंट है उनके परस्पेक्टिव से। और अगर अपने अपने परस्पेक्टिव से देखें ना, तो ये उनका वेल्थ है। दिस इज व्हाट वी कॉल शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी ₹1,00,000 है। कंपनी क्या चाहेगी कि इस ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹1,50,000 हो जाए, ₹2,00,000 हो जाए। आप लोग सुनते होंगे ना कि आप लोग सुनते होंगे मार्केट्स में कि भाई फलना शेयर का दाम बढ़ के इतना हो गया, फलने शेयर्स में 20% की ग्रोथ हो गई। अभी रिसेंटली सुन रहे हैं कि कैफी कॉफी डे के शेयर्स में 20% की गिरावट आ गई, क्योंकि उनके जो कंपनी के CEO थे, उन्होंने कोई सिद्धार्थ करके थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनके कंपनी के शेयर्स के 20% दाम गिर गए। तो ये शेयर्स के दाम गिरना, शेयर्स के दाम बढ़ना, ये सब चीज़ व्हाट आर दीज थिंग्स ऑल अबाउट, दीज थिंग्स आर ऑल अबाउट कि भाई कितना मेरे को शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैं मैक्सिमाइज कर पाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने ₹1,00,000 के शेयर्स लिए हुए हैं और जिस कंपनी, मान लो मेरी कंपनी के शेयर्स मैंने लिए हुए हैं ₹1,00,000 के, और मेरी कंपनी ने खूब अच्छा परफॉर्म किया और मेरे शेयर्स के दाम बढ़ गए, मेरे शेयर्स के दाम हो गए ₹1,00,000, शेयर्स जो ₹1,00,000 के शेयर्स थे उनके दाम अब ₹1,50,000 हो गए। तो जो मेरी वेल्थ थी वो क्या हो गई, वो मैक्सिमाइज हो गई, दैट हैज इंक्रीज्ड टू ₹1,50,000। दिस इज व्हाट वी कॉल की शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइज हो गए। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यही हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए मुझे एक मैथमेटिकली आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या टेबल होते हैं। एक पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाया गया। ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी हो सकता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके वेल्थ को हमको बढ़ाना है, उनके वेल्थ को हमको मैक्सिमाइज करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर कंपनी। सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर टुडे। आज की इस डिस्कशन में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंस क्या होता है। देन वी स्टडीड कि भाई इंपॉर्टेंस क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीज़ हमको उससे समझ में आता है। देन वी स्टडीड कि भाई इस स्ट्रक्चर से हमने कंपेयर किया कि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ी है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, उन सब चीज़ का, इन्हीं सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे इंपॉर्टेंस को डिराइव किया गया। एंड देन वी स्टडीड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को और मूव ऑन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि एक नई एनर्जी के साथ आप लोग पार्ट भी पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, अच्छी से सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, विल बी हैप्पी टू सॉल्व यू, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और हमारे चैनल को एक थम्सअप दीजिए, हमारे वीडियो को थम्सअप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज जब शेयर करेंगे तभी दे विल बी एबल टू सी द वीडियोज एंड दे विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स, और उससे हम इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर अस एज वेल, बिकॉज वेरी पैशनेटली, वेरी डेडिकेटेड होके आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल कंटेंट्स
एंड उसके बाद भी अगर इफ आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल देन इट हर्ट्स, है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को शेयर कीजिए, बताइए कि इतनी ईजिली और इतने अच्छे से भी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, चीज़ों को समझा जा सकता है बिना रटे हुए। अगर मान लो कि मैंने ये जो समझाया इसको अगर आप समझ लेते हो तो फिर इससे आप ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू कैन ईजिली राइट। सो देर इज नो नीड ऑफ मगिंग अप दिस फाइव वर्ड्स, है ना, कि पांच एक एक वर्ड निकाल के और कुछ कुछ याद कर लिया उस तरह से, दैट विल नॉट बी वर्थ इट। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में वर्क कल्चर में जाओगे ना तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताओ कि क्या होता है। देयर यू विल हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई योर नॉलेज। तो वहां पर आपको ये चीजें पता हो नहीं हो डजंट मैटर, बट हाँ ये चीज निकला कहां से, सो दैट ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, दिस इज केशोधरा साइनिंग ऑफ, एंड हाँ इफ यू कैन थिंक इट यू कैन अचीव इट। बाय बाय।